रोल ऑफ फार्मेसी इन हॉस्पिटल। आई एम मोहम्मद अर्शद याकूब, असिस्टेंट प्रोफेसर फैकल्टी ऑफ फार्मेसी एचयू। डेफिनेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल, द प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी विद इन द हॉस्पिटल अंडर द सुपरविजन ऑफ प्रोफेशंस फार्मासिस्ट इज नोन एज हॉस्पिटल फार्मेसी। देखिए, द रोल ऑफ द फार्मासिस्ट, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के बारे में हम इससे पहले लेक्चर दे चुके हैं। अब हम जरा सा हॉस्पिटल फार्मेसी के बारे में, द रोल ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी, फार्मेसी का क्या रोल होगा। इन दोनों का ताल्लुक है इस तरह से है कि ज़ाहिर फार्मेसी के अंदर जो वर्क होता है वो फार्मासिस्ट करता है, तो फार्मासिस्ट जो वर्क होगा वो रोल ऑफ फार्मासिस्ट कराएगा। और इसी तरह जो फार्मेसीज होती हैं उनका क्या रोल होगा दूसरे डिपार्टमेंट के साथ, दूसरे इदारों के साथ कोलैबोरेशन किस तरह का होगा, उनके फंक्शंस क्या होंगे, तो ये हम बताना चाहेंगे इसमें फार्मेसी का। तो स्पेशली इसमें फार्मेसी का जिक्र होगा। इससे पहले के जो हमने एक लेक्चर दिया था उसमें जो जिक्र हुआ था वो फार्मासिस्ट का था, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का। सो ये हमने अभी डेफिनेशन दी है हमने, द प्रैक्टिस ऑफ द फार्मेसी विद इन द हॉस्पिटल, फार्मेसी की जो भी प्रैक्टिस होगी हॉस्पिटल के अंदर तो ज़ाहिर हॉस्पिटल फार्मेसी कहलाएगी, और इसका सुपरविजन एक ज़ाहिर कोई ना कोई फार्मासिस्ट, प्रोफेशनल फार्मासिस्ट होगा। वो डायरेक्टर भी हो सकता है, उसको मैनेजर भी कर सकते हैं, और वो हमारे किसी भी डिपार्टमेंट का हेड भी कर सकते हैं, सुपरवाइज कर रहे थे, सुपरवाइजर भी बाजूका एक हेड होता है डिपार्टमेंट का। फंक्शंस, कुछ फंक्शंस मैंने इसमें आपको एक्सप्लेन किए हैं, जो हेयर ड्रेस आई जस्ट एक्सप्लेन यू सम फंक्शंस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रनिंग ऑफ द फार्मेसी इन अ हॉस्पिटल। सो वो फंक्शंस क्या हैं, फार्मेसी के फंक्शंस क्या हैं, वो कुछ बहुत सारे फंक्शंस हैं, बहुत फंक्शंस हैं, इसमें से कुछ को मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है। नंबर वन, द फॉरकास्ट ऑफ डिमांड, डिमांड जो डिमांड, वॉट इज यू नो, वॉट यू नो अबाउट डिमांड, द डिमांड ऑफ द मेडिकेशंस, द डिमांड ऑफ द रनिंग मेडिकेशन विच रिक्वायर्ड फॉर अ वीक और फॉर अ मंथ। सो एक वीक के हिसाब से, एक मंथ के हिसाब से हमारी रनिंग कितनी है, हॉस्पिटल में कितना यूज़ किया जा रहा है, ये वो भी डिमांड। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही क्रिटिकल थिंग है कि अगर ज़्यादा वो डिमांड जो देख के हम परचेस किए करते हैं कि कितनी मेडिकेशन मजीद परचेस की जाए, अब परचेस करने में वो डिमांड के लिहाज से कभी ज़्यादा हो गई तो वो एक्सेस हो जाएगी हमारे पास, एक्सेस पड़े पड़े एक्सपायरी भी हो सकती है, और इसमें कौन से और ड्रॉबैक भी हो सकते हैं लॉस होने के। और अगर वो डिमांड हमारी फॉरकास्ट उसकी कम हमने लिखी है तो वो चीज़ों की शॉर्ट हो जाएगी, और फिर वो फिर मेडिकेशन शॉर्ट से हैं, पेशेंट्स को नहीं मिल रही है, तो ये दोनों सूरत हाल बहुत ही क्रिटिकल हो जाती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है फॉरकास्ट ऑफ डिमांड फार्मासिस्ट के लिए कि कितना है, वो अपने प्लस माइनस कहीं भी हो सकता है, लेकिन फॉरकास्ट ऑफ द डिमांड। सिलेक्शन ऑफ रिलायबल सप्लायर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इन अ वर्ल्ड एंड स्पेशली इन अवर कंट्रीज एंड दिस एरिया, सो मेनी पीपल्स हैव मेकिंग द medication which are not genuine, or number two types of the medications which is not very not good for the patients. So we can select the reliable supplier for purchasing the medications. Prescribing specification of the required medications, वही medication हम prescribe करेंगे जो medication हमें required होंगी। Manufacturing of sterile and non-sterile preparation, this is all very important department in a hospital, which are preparing some of the manufacturing of sterile area, like total parenteral nutrients, some of the dilution of the injections, and non-sterile preparations, there are so many, like analgesic balm, petrified powder, calamin lotion, and some of the external use preparation. So there is a very important two departments, sterile and non-sterile preparation areas, which is part of the pharmacy. So I am mentioning you the function of the hospital. This is a function of the hospital pharmacy.
and maintenance of manufacturing records, जो हमने मैनेजमेंट जो जो चीज़ कर रहे हैं, चाहे वो स्ट्राइल हो चाहे नॉन स्ट्राइल हो, उसका रिकॉर्ड भी हमारे पास होते रहना है और वो रिकॉर्ड भी एक तरह का मेंटेन करना है जो कि हमारे फंक्शन है। क्वालिटी कंट्रोल ऑफ परचेस्ड और मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट, जो मैन्युफैक्चर हो रही है या जो मेडिकेशन हम परचेज कर रहे हैं वो क्वालिटी कंट्रोल की है कि नहीं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिकमेंट्स इन द वार्ड एंड डिस्पेंस ऑफ मेडिकेशन टू द आउट पेशेंट। डिस्ट्रीब्यूट द मेडिकेशन टू द वार्ड इनटू द वार्ड, दैट इज कॉल्ड इन पेशेंट डिस्पेंसिंग एंड आउट पेशेंट डिस्पेंसिंग देयर वार्ड फॉर द आउट पेशेंट ओपीडी। एंड ड्रग इंफॉर्मेशन सोर्सेज इन हॉस्पिटल, देयर इज वन एरिया ऑफ ड्रग इंफॉर्मेशन एंड ड्रग पॉइजनिंग सेंटर विच प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन एंड द पॉइजनिंग इंफॉर्मेशन टू द पेशेंट्स or relative of the patients. Center for Drug Utilization Studies implements recommendations of pharmacy and therapeutic committee. This committee is also important, in which the one of the pharmacists and one of the doctor and one of the head of nurse are the compulsory member of this committee. Patient counseling is very important department. There is a function of hospital pharmacy and maintaining the liaison between medical, nursing and the patients. Liaison means is inke beech mein hamara department kiske darmiyan, medical or nursing or patients ke darmiyan ek tarah ka qualification karta hai. Objective of hospital pharmacy, there are so many objective also for the hospital pharmacy, but I mentioned here approximately 14 objective, and we select on them. There is a basic objective of hospital pharmacy. Number one, to professionalize the functioning of pharmaceutical services in hospital. Number two, to ensure availability of the requirement of medication at an affordable cost at the required time. To plan, organize and implement the policies of the pharmacy. To perform functions of management of material purchase, storage and essential items. To maintain a strict inventory of all items received and issued. To counsel the patient, medical staff, nurses and other involved in patient care on the use of the drugs, possible side effects, toxicity, adverse effect, drug interaction, etc. And to serve as a source of information on drug utilization. Next slide में भी कुछ ऑब्जेक्टिव हैं जो कि हम बताएंगे, लेकिन ये देखिए ये ऑब्जेक्टिव इतने ईजी वे में मैंने डिस्क्राइब किए हैं इंग्लिश में कि इसकी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा पॉइंट इसको आप देखिए, इसमें कीवर्ड देखें क्या क्या है, उस कीवर्ड को आप अपनी स्टडी के लिहाज से तैयारी करिए, यानी एग्जामिनेशन पॉइंट भी इससे उसकी तैयारी कीजिए। और ये देखिए कि ये बेसिक मैंने थोड़ा पॉइंट बताया, कोई एक्सप्लेनेशन की इसमें जरूरत नहीं है, हर पॉइंट में एक एक्सप्लेनेशन है। नंबर एट, टू मैन्युफैक्चर ड्रग लार्ज और स्मॉल वैल्यू पैरेंटल विच आर क्रिटिकल फॉर यूज इन पेशेंट। इन पेशेंट के यूज के लिए हम स्मॉल या लार्ज मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और वो स्ट्राइल भी हो सकती है, नॉन स्ट्राइल भी हो सकती है। नंबर नाइन, पार्टिसिपेट इन एंड इम्प्लीमेंट द डिसीजन ऑफ द फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमिटी। टेन, टू ऑर्गेनाइज एंड पार्टिसिपेट
and in research program, educational program to provide training to various members of the patient's team on various aspects of drug action, administration and usage. अपने जहन में रखिए, कीप योर माइंड दैट आई एम एक्सप्लेनिंग यू द ऑब्जेक्टिव ऑफ द हॉस्पिटल फार्मेसी. डोंट मिक्स अप विद द फंक्शन एंड ऑब्जेक्टिव. नंबर 12, टू एंगेज इन पब्लिक हेल्थ एक्टिविटी टू इम्प्रूव द वेल बीइंग ऑफ द पॉपुलेशन. 13, टू इंटरेक्ट कोऑपरेट and coordinate with various other departments of the hospital. To the point है, बहुत easy है, explanation की जरूरत नहीं है. जैसे सबसे last वाला देखिए, interact करना है और cooperate करना है और coordinate करना है. Interact, cooperate भी करना है और coordination भी करना है with other department of hospital. ये है objective, these are all objective. ऐसे पहले मैंने बताया functions. Now, infrastructure. Infrastructure of the pharmacy. How, which type of this pharmacy? How many members there? And who is the head? And located, where is it located? So there are some basic points. Just I read it one by one. Located in the ground floor or the first floor is a good place where the pharmacy should be make or run from there. It's very easy to use this ground floor because it's very easy to loading the medication and other things and reload to also reload. And first floor also very helpful because and that is in track to the wall. Sufficient space for sitting of patient for outpatient. If there is OPD, there is some should be area where should be patient wait for the medications or counseling. Waiting room for outpatient, it should contain educative poster on health, hygiene and offer literature for reading. तो जहाँ जहाँ ओपीडी होती है तो जाहिर है पेशेंट वेट करता है, तो पेशेंट के उसके लिए हाइजीन को एजुकेट करने के लिए, उसको डिजीज को एजुकेट करने के लिए उसको उसके पोस्टर लगा दिए जाते हैं और इस तरह की चीज़ें दी जाती हैं. लिटरेचर दी होता है जिसको रीड कर सकता है, उसके पास टाइम होता है वेटिंग पे, वो ये काम कर सकता है. सुटेबल स्पेस रूटीन मैन्युफैक्चरिंग और बल्क प्रिपरेशन स्टॉक सोल्यूशन बल्क पाउडर एंड ऑइंटमेंट एक्सेट्रा. तो इट शुड बी अच्छी प्लेस होनी चाहिए, ज़्यादा स्पेस होनी चाहिए. अगर हम कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग के लिहाज से स्पेस भी होती है, और स्ट्राइल एरिया है तो उसके लिहाज से स्ट्राइल एरिया बनाया जाएगा. लेमिनार वुड लेमिनार फ्लोर जो होता है, वुड लेमिनार फ्लोर होंगे वहाँ पे, और एयर का ऐसा इंतजाम किया जाएगा कि आउटफ्लो या इनफ्लो की उसका देखा जाएगा कैसा है. ऑफिस ऑफ द चीफ, वहाँ चीफ ऑफिस बैठता हो या हेड ऑफ डिपार्टमेंट, या आप ये कह लीजिए कि डायरेक्टर ऑफ फार्मेसी बैठता तो उनके ऑफिस होंगे. पैकेजिंग एंड लेबलिंग एरिया, कोल्ड स्टोरेज एरिया, रिसर्च विंग इफ देयर इज सम रिसर्च एंड क्लासेस गोइंग ऑन एंड फॉर काउंसलिंग फॉर अदर पर्पस देयर शुड बी एरिया देयर. फार्मेसी स्टोर रूम and bulk room also, there should be bulk of the medication should be placed there. Library and library for the drug information and other things. Radioisotopes storage is, and dispensing area. This radioisotope is not in all of pharmacies, but in the advanced pharmacy it should be there. Here just I mentioned on the flow of the material, how the flow of the material is going on. Location or an index, so first of all. Then for supply of medication and other items. Maintain inventory
फॉर रिसीव आइटम, सारे सबसे पहले इंटेंट बनाया जाएगा, इंटेंट के बाद कोई भी रिक्वेस्ट बनाई जाती है, रिक्वेस्ट के बाद वो मेडिकेशन हमारे आती है हमारे पास और वो मेडिकेशन रिसीव की जाएगी एंड देन डिस्ट्रीब्यूट द मेडिकेशन टू द आउट पेशेंट आउटडोर फार्मेसी एंड फॉर इन पेशेंट दैट इज नर्सिंग स्टेशन. तो सिंपली इज द फ्लो ऑफ द मेडिकेशन फ्रॉम वेयर इंटेंट इंटेंट फर्स्ट ऑफ ऑल इंटेंट शुड बी मेड एंड रिक्वेस्ट शुड बी ऑफ द मेडिकेशन and the supplier come with the medication for supply the medication and other items and for those items we should be maintain the inventory and we have to receive the quantities and how many medication should be dispensed should be one record or should be one inventory and then distribute of this medication to both area outpatient and inpatient. That is the role of the responsibilities of hospital pharmacist. I divide into two. The role of responsibility of hospital pharmacy for indoor pharmacist. And next slides is the role of the responsibilities of the hospital pharmacist for outdoor pharmacist. There are two different. For inpatient. Inpatient, there is patient admits. You just suppose the patient is admitted and who can we our role or our responsibility in our inpatient central dispensing area. If there is central dispensing area, to ensure that all drugs are stored and dispensed correctly should be ensured. Then to check the accuracy of the dosage prepared, let's check the accuracy, how much the dose you prepared if you prepare the medication. Otherwise, if you dispense the medication, just check the dose and strength of the medication you just dispense. Maintain proper record, that is compulsory, even inside the your hard copies or just enter in the computer. Preparing of the bills, that is a part of also the billing department, but initially just you prepared or just entered the in a system, automatically the bill will become because the price also just already entered in a system. To coordinate overall pharmaceutical need of the patients, frame policies and procedure are followed. Maintain professionals' competence and communicate with all pharmacy staff. That's EA and number B, and then C also. The B, patient care area, and where the patient should be, we can care the patient. That is, maintain liaison with nurses. Reviewing, what do you review? Review of drug administration. Not only just check in first time, but time to time just check how to drug administer to the patient. That is double check. And sometimes one of the case few months before in a hospital, one of the nurse, male nurse, just he given all one of the magnesium sulfate direct to the one of the child and a small child and that was now paralyzed after that, and then after a few days it's expired. That was the time to time check the administered drug, the how route of the drug, a dosage of the drug, time to time just review of the drug administration is a safe side, and you the patient, the safety of the patient also. And provide instruction and assistance to the junior pharmacist. That is compulsory. If junior pharmacist come, just you training, train them and instruct. Direct patient area. Direct patient area means the patient should be run there. That may be the OPD, another and maybe patient in the admit there. Identification of drug brought into the hospital. Obtaining patient's medication history, assist
in the selection of drug products, monitor patients' total drug therapy, counseling patient, and participating in cardiopulmonary emergencies. CPR is called the CPR if there is some of the training, special kind of training. That is cardiopulmonary, how to use in emergency conditions. Just provide the CPR and press the chest 30 times and then give them to breathe. These are part of the training. And then is also the one of the in the clinical pharmacy, one of the course here, one topic, the CPR. The course in charge should be trained you about this. Outdoor pharmacy's responsibility, what? Central dispensing area. B, patient care area. In central dispensing area, that is to ensure that all drugs are stored and dispensed correctly. That is a compulsory thing and basic thing. To check the accuracy of the dosage, prepare, maintain proper record, preparation of bills, keep the pharmacy neat and tidy manner. That is the basic things. I no need for explanation. In one sentence, you will understand the things. Patient care area. Inspect what is periodically the medications area. Identify the drug brought into the hospital. Monitoring of drugs. Consult the patients. There is direct patient care area. General responsibilities. Ensure that all drugs are handled properly. Participate in cardiopulmonary emergencies, as told you before. Provide education and training for the pharmacists is a common. Coordinate overall pharmaceutical need of the outdoor services. Now there are some areas that I explained you, that is prescribing, prescription area, preparation area, storage area. By the name, it's very easy. The prescribing area where the prescriptions and desk and the equipment and the things should be there. Prescription desk with cabinets and drawer, and it should be the area, should be required the things, what things they required in prescription area. Selection drawer should be there, cabinet, cupboard should be, desk, office, equipment, computer, telephone, drug available list, information board. In prescription area, there should be prescribed the medication, or there should be the medication you place there. So should be these things where you should keep the medications, keep the prescriptions, and drawer, cabinet, computer, telephones, they are basic things. So I am explaining you in this area should be in a pharmacy, which kind of things you should be have. Preparation area should be what? The sterile facilities should be there. If there is a sterile preposition, should be laminar flow, should be air flow system, and some of the sterile bottles should be there, and all the ingredients should be there. If there is a non-preparation, non-sterile area, so should be the quantities of bulk. Suppose if you are going to prepare the analgesic plan, so you should have the menthol, camphor, or another ingredient you have should be balanced. How do you do weigh the things and other things? So tables, manufacturing solutions, glasses, storage shelves, sterilization facilities, the standard counter, and height should be 36 by 30 and 74.
This is a standard. It's vary from pharmacy to pharmacy. Storage area. Storage area cabinet with the proper labeling and space of the loading the things, because the storage area should be large and there should be place the things in a large quantity. For the space of the pharmacy lab with testing equipment, equipment of the compounding and dispensing, so all the things should be placed in this area. In this slide, just I'm explaining you general drugs and what is cold storage. General drugs where there is no need for the cold temperature. Cold temperature, if it is in some fridge items, should be placed in between 2 to 8 degrees centigrade. And sometimes the cold things we keep it some of the temperature of 15 to 20 degrees centigrade. And general drugs just keep in the in good condition, room temperature, and room temperature should not excess more than 25 degrees centigrade. And just AC, usually if you see the pharmacy, should be the AC and air conditioned system there, and medicine keep in a dry place and the cold place, not cold like a cold storage, but it should be not heat too much, because the heat should be destroy the medication. Drug to be arranged alphabetically in general drug. If there is alphabetical arrangement, but in most of the pharmacies there is pharmacological arrangement according to the pharmacology. Suppose there is cardio medication, place all the cardio medication in one cabinet, antibiotics in other cabinets. That is a very good things, and for a professional point of view, this classification is very good. But alphabetically, for the person or assistant of the pharmacist or the helper, should we know alphabetically more easily find out the medication in alphabetically as compared to the pharmacological. But pharmacological is good and more reliable for the pharmacist. So, or as per use, antibiotic, I told you the antihypertensive. So the a bean card showing the stock position. Short expiry to be the place in the front of the long expiry in the back. That is the thing. Because if you place the medication in front of all the time, in front, running the medication, giving to the medication to the patient, and if the new stock come, you place front. So after a few months, the backside medication become expired. So always dispense the medication from the backside, and time to time you change the come backside medication you took forward, and keep the long expiry backside. That is a rule. The short expiry to be placed in the front and long expiry at the back. FIFO, first in first out method to be followed. It means if there is first come, they will be given this to the patient first, and then second to second. The drug to be used before date of expiry and transfer to other hospital. Time to time, every month, we check the expiry date, and nearly expiry, just keep to the other side. Because if you give it to the patient, just explaining that there is 3 months remaining, just use within 3 months, just explain before the dispense to the patient. And expiry drugs to be disposed of as per rule. Cold storage drugs such as antibiotic, vitamins, liver extract should be stored in the cold room between 15 to 20 degrees centigrade, that is under the AC. And the room temperature to be the air conditioned with temperature control facilities that is available. And drug like vaccines, serum, hormones, etc., or some of the vaccines of vaccines and some of the injections which need the temperature 2 to 8 degrees centigrade, you keep in the fridge, the deep freezer or the cooler or walk just like that. And temperature monitoring through dial thermometer and temperature charting.
And every day, one of the pharmacists should be checked the temperature of the room temperature of the pharmacy and the cold storage of the fridge at temperature. There is a chart available. So time to time, we check the temperature. Distribution of drug. So drugs are distributed to various areas of hospital, OPD, emergency. हर जगह हम इसको ड्रग्स कम देते हैं, ओपीडीज में भी देते हैं, एमरजेंसीज में भी, और दूसरे एरियाज जहाँ पेशेंट्स को रिक्वायरमेंट होती है और जहाँ वार्ड्स होते हैं. तो इसके हमने तीन यहाँ पे जो मेथड बताए और उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी बता दिए. थ्री मेथड्स ऑफ इंटेंडिंग कौन कौन से हैं? फ्लोर स्टॉक मेथड, यूनिट स्टॉक मेथड एंड पेशेंट स्पेसिफिक ड्रग ऑर्डर. फ्लोर स्टॉक मेथड, तो ड्रग यूज फॉर पेशेंट फ्रॉम द नर्सिस स्टॉक. पहले नर्सिस के स्टॉक में, स्टॉक वार्ड जो उनके होते हैं, वहाँ पे हम स्टॉक कर देते हैं मेडिकेशन, और जब पेशेंट आता है तो वो यूज़ करता है. 15 डेज का हम स्टॉक अगर कर दिया तो. लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि ड्रग में और मे नॉट बी अवेलेबल इन द स्टोर डिले इन ट्रीटमेंट. कि अगर वो 15 डेज का तो कर दिया, हो सकता है वो मेडिकेशन नहीं दिया और वो मेडिकेशन की ज़रूरत हो, फिर हम उसको डिले हो सकता है. यूनिट स्टॉक मेथड, यूनिट स्टॉक मेथड में मेडिकेशन फॉर ईच patients packed separately as per the prescription or for the patient wise, we just prepared the medication, and unit dose we just prepared for the 24 hours, and dispense in one packet. Chances of less hoti, and suit computerization or patients ke jo need agar changing ho gaye, discontinue medication hoti to easily isko hum refund kar sakte hain aur easily उसको हम चेंजेस कर सकते हैं न्यू मेडिकेशंस को. उसमें लॉस कम से कम होता है और एरर भी सब कम से कम होगा, डबल चेकिंग भी होगी. तो दिस मेथड इज कॉमनली यूज इन अ हॉस्पिटल नाउस. एंड पेशेंट स्पेसिफिक ड्रग ऑर्डर, अ ड्रग नॉट अवेलेबल इन स्टॉक, तो प्रिस्क्रिप्शन स्टैंड फॉर द एमरजेंसी इंटेंट इन द पेशेंट नेम, ड्रग रिसीव गिवन इन टू द स्पेसिफिक पेशेंट. पेशेंट को प्रिस्क्रिप्शन दे देंगे, वो लेके आएंगे. लेकिन इसमें भी हम डिले के चांसेस होते हैं कि मेडिकेशन से जब बाहर से लेके आएंगे तो उसमें पेशेंट को मेडिकेशन देने में डिले हो सकता है. एंड लास्ट जस्ट आई मेंशन द रोल ऑफ द फार्मेसी, कि दरिया को कूजे में बंद करने के मुतरादिफ है. जस्ट आई टेलिंग द हाउ टू रिवर फ्लोस इन अ small container, but I mentioned a few points here because there's a if you give the lecture maybe 1 year or 2 years is not enough for explaining the role of the pharmacy. Anyhow, just I just mentioned with some point A to M, that is demand, estimate, provision, the purchasing and receiving, inspection, quality test, storage and distribution. B, compounding and manufacturing, various kind of fluids, sterile and water mixture. यहाँ पे मैं summarize कर रहा हूँ जो हम पढ़ चुके हैं, जो हम explain कर चुके हैं, इसको मैं summarize कर रहा हूँ few words में. Ensuring the potency and quality, ensuring the potency and quality of the drugs procured, compounded and distributed. Dispensing prescription to the inpatient and outpatient as per the physician prescription. Maintaining information on quality, cost, source of supply and drug duration. Investigate adverse drug duration, withdrawal of supply. G, ensuring adherence to law, act and rules and regulations of drug controller
and applicable to storage and use. To promote economy, use of trucks, stabilizing, accounting, procedures and utilization. Strict implementation of the policy and the guidelines of therapeutic committee. Assist in training, teaching, research and drug trial. Education of patient and relative about drug use. Maintaining of proper recipe, utilization and storage record. Periodic inspection by CMO, IC pharmacy or drug controller. That is a few role of the pharmacy. Just explain you, and next lecture I explain or I tell you about the new thing, and maybe about the finance of the dispense of medication with the related to the dispense of medications finance department. So that is the role of the pharmacy. I explain to you. Thank you very much to with us and listening me. Thanks for listening this lecture.